हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं आपको बेंगलोर के इस विशाल मार्ट में। चलिए आगे हम देखते हैं, आपको लेकर चलते हैं इस विशाल मार्ट में। ये हम विशाल मार्ट में प्रवेश किए हैं। यह विशाल मार्ट बहुत ही बड़ा है और इस विशाल मार्ट में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ पर हम बेंगलोर आए हुए थे अपने सिस्टर को लेकर, उसका एडमिशन कराने के लिए। फिर सोचा हमने कि मार्ट में चलते हैं, कुछ सामान भी ख़रीदारी करनी थी और हम आ गए इस विशाल मार्ट में। और इस विशाल मार्ट में आप देख रहे हैं तरह तरह के यहाँ पर कपड़े हैं, कई तरह के कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, यहाँ पर बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान ख़रीदारी कर रहे हैं और इसी तरह हमने भी कई सामान यहाँ पर ख़रीदे। यहाँ पर देख रहे हैं आप तरह तरह का सैंडल, जूता उपलब्ध हैं और काफ़ी कम रेट में हैं। इस तरह से घरेलू सामान भी यहाँ पर, राशन के सामान, किराना सामान, खाने पीने के सामान आदि सभी चीप रेट में उपलब्ध हैं। देखिए कितना कंडीशनर है, कंडीशनर ना, कंडीशनर पतंजलि का है या? नहीं, अच्छा ही लग रहा है। डब चाहिए दोस्तों। अभी हम लोग शॉपिंग करके शॉपिंग मॉल से निकल रहे हैं और 2000 का खरीदी हो गया बट झूला नहीं भरा। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, चलें आगे, कुछ कुछ देख लेते हैं। बहुत सारा यहाँ पर ब्लैंकेट है और ये पूरे चादर वादर हैं। बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन सामग्रियाँ हैं। ले रहे हैं इसको सब्जी वगैरह, सब्जी रखने के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं यार यहाँ पे महंगे बहुत। रख लीजिए, रखना जरूरी है ना। और क्या लेना है यहाँ पर? ये चाकू है, ये इसको रख सकते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी मिलती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अभी हम विशाल मार्ट से सामान की ख़रीदारी करके वापस NSTI जा रहे हैं। अभी हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं और देखिए आ रहे हैं लोग। ये है ट्रैफिक। जबरदस्त ट्रैफिक, लंबा जाम। ऐसे जाम लगते हैं दोस्तों। बेंगलोर के यशवंतपुर नामक यह जगह, आप देख रहे हैं दोस्तों कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। हम वापस आ रहे थे लेकिन यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक देख रहे हैं। एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पगडंडी के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं और देख रहे हैं कितनी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई हैं इन गाड़ियों की। हम सभी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और हम सभी पहुँच गए इस शाकाहारी होटल में जहाँ पर कि चपाती बन रहा है। देखिए यह शख्स कैसे चपाती बना रहा है, इसको एकदम हैबिट हो चुका है चपाती बनाने का। और यहाँ पर हम मज़े से चपाती खाए क्योंकि जान रहे हैं साउथ में शाकाहारी होटल मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम मात्रा में शाकाहारी होटल मिलते हैं।
अभी हम यहाँ सामने गेट से अंदर प्रवेश किए हैं और यहाँ पर एंट्री होता है, जैसे कि यदि कोई बाहर जाए तो वापस आने के समय उसको एंट्री करना पड़ता है, तभी अंदर प्रवेश मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए।